फोर है, फाइव है, जनरेशन फोर है। इसमें अभी फोर जी या लेट बुक है, 840G3 मॉडल है। एक मॉडल ये है ये वाला न्यू लोगों के साथ थ्री है, फोर जनरेशन है। अस्सलाम वालेकुम, आज हम आए हैं कंप्यूटर मार्केट सदर में। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई, ठीक हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आरिफ भाई, आप ठीक ठाक? शुक्र अल्लाह का। अब्दुल्ला भाई बताएं लैपटॉप के बारे में, आजकल क्या हिसाब किताब चल रहा है, कौन से लैपटॉप क्या डिमांड वगैरह चल रही है इसकी? ये मुख्तलिफ लैपटॉप हैं जिनके प्राइजेज डिफरेंट हैं, इनके प्राइजेज, इनके प्रोसेसर साइज और जनरेशन और ब्रांड के लिहाज से मुख्तलिफ प्राइजेज हैं। जैसे कि ये लैपटॉप आपके सामने है लेनोवो का, ये 4i5 है, जनरेशन 4 है। इसमें अभी 4GB रैम है, 320GB हार्ड ड्राइव है। एक तो मॉडल है लेनोवो T440P, मार्केट में कम अज़ कम 35,000 का सेल हो रहा है, लेकिन आपको हम 20,000 का दे देंगे विद ओरिजिनल चार्जेस, 1 मंथ वारंटी होगी, 10 डेज बैटरी की वारंटी होगी, बैटरी कम अज़ कम 2 घंटे उसका टाइमिंग होगा। अच्छा, इस लैपटॉप की खसूसियत यही है कि 16GB तक ये रैम सपोर्ट करता है, और क्या उसका नाम है, इसमें आप हार्ड ड्राइव भी डाल सकते हैं 1GB तक, इसमें आप SSD भी डाल सकते हैं। ये i7 फोर्थ जनरेशन भी सपोर्टेड है। इसके अलावा एक लैपटॉप ये आपके सामने, ये HP का लेट बुक है, 840G3 मॉडल। अभी जो इसमें स्पेक्स हैं, 8GB रैम है, 256 SSD के साथ है, ये 32GB रैम तक सपोर्ट करता है। इसमें SSD भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और प्लस इसमें आप क्या उसका नाम है नॉर्मल हार्ड ड्राइव भी यूज़ कर सकते हैं। SSD 1TB तक ये स्टोर करता है, नॉर्मल हार्ड ड्राइव भी, तो बिल्कुल लाइट वेट है। सब लाल भी, ये बैटरी के लिहाज से कैसी मशीन है ये वाली? इसमें इंटरनल बैटरी है लिथियम सेल के साथ है। कम अज़ कम इसका जो बैकअप मिलेगा 3-3.5 घंटे आपको मिलेगा। मार्केट में जो इसकी प्राइस चल रही है अबाउट 50,000 है, ये आपको मिल जाएगा 48,000 के साथ। ये बैकलाइट कीबोर्ड के साथ है, फुल LED है और साफ सुथरी, बिल्कुल आप देख सकते हैं साफ सुथरी A+ मशीन है। इसके अलावा अगर आप 8 जनरेशन में जाएँ तो एक मॉडल ये है, 8 ये वाला न्यू लोगों के साथ आजकल बहुत इन हुआ है मार्केट में। बिल्कुल, ये वही न्यू लोगो HP के साथ है, ये 840G5 है, ये भी 8GB रैम के साथ है, 256 SSD के साथ है, लिथियम बैटरी के साथ है, कम अज़ कम बैटरी बैकअप 3-4 घंटे होगा, लाइट वेट है, इजी टू कैरी है। यह आपको मार्केट में मिलेगा कम अज़ कम 75,000 का, यहाँ आपको 72,000 का मिल जाएगा। चले ठीक हो गया। इसके साथ कोई छोटे डिस्प्ले में कुछ लेडीज़ वगैरह जो मांगते हैं आगे, छोटे छोटे डिस्प्ले, वो कौन से लैपटॉप हैं छोटे डिस्प्ले वाले? डिस्प्ले में जैसे कि ये आप देख लें, i3 है, 4th जनरेशन है, बिल्कुल लाइट वेट है, डिटैचेबल है, टच स्क्रीन के साथ है। इसमें 4GB रैम है और 128 SSD है। ये देखें, ऐसे आप इसको डिटैच कर सकते हैं, एज अ टैब भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको मार्केट में अव्वल तो मिलना ही नहीं है इस तरह का मॉडल, लेकिन अगर मिल गया तो कम अज़ कम 35,000 का, तो यहाँ से आपको 30,000 का मिल जाएगा। भी साफ है ये। इसके साथ ओरिजिनल चार्जर है, ये ड्यूल फंक्शनैलिटी है, इसमें बैक कैमरा भी है और फ्रंट कैमरे के साथ है, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये प्रोफेशनल सीरीज की तरफ चले जाएँ तो ये डेल का मॉडल है, डेल लैटीट्यूड i7, डेल लैटीट्यूड E7470, ये i7 6th जनरेशन है, 8GB रैम है, 256 SSD है, ये भी इंटरनल बैटरी के साथ आया है, DDR4 के साथ है, 32GB तक रैम सपोर्ट करता है, SSD आप जितनी चाहे बता सकते हैं। इसकी जो मार्केट में प्राइस है 55,000 है, बिलाल पेशी में आपको 50,000 का मिल जाएगा। सब लाल भी, ये एक चीज़ और है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये रिपेयर हो जाती है, तो आप वारंटी वगैरह आपकी दे रहे हैं? 100% लॉट का सामान है, 100% आप इसकी लाइफ टाइम वारंटी होगी कि इसका बोर्ड रिपेयर नहीं है, कोई भी कंपोनेंट इसका रिपेयर नहीं है। इसकी रैम आप बढ़ा सकते हैं, SSD भी बढ़ा सकते हैं, बाकी आप लेके जाएं। इसके अलावा 1 मंथ की वारंटी हम देते हैं, 10 डेज बैटरी की वारंटी देते हैं, और साथ ओरिजिनल चार्जर है। अगर मिड रेंज में जाएँ तो ये लैपटॉप आप देखें, i5 है, 4th जनरेशन, डेल का मॉडल है, E6440, कोर i5 4th जनरेशन, 4GB रैम, 500GB हार्ड ड्राइव है। ये i7 फोर्थ जनरेशन सपोर्टेड है, और क्या उसका नाम है, 16GB तक रैम सपोर्ट करता है, SSD भी सपोर्ट करता है, नॉर्मल हार्ड ड्राइव। ये मार्केट में 35 के बजट में सेल हो रहा है, और यहाँ पे आपको 32,000 का मिल जाएगा। प्रोसेसर के लिहाज से अपग्रेड हो सकता है ये मशीन? ये बिल्कुल आरिफ भाई, ये i7 फोर्थ जनरेशन सपोर्टेड है, आप इसको i7 फोर्थ जनरेशन
भी लगा सकते हैं, i3 4th जनरेशन भी लगा सकते हैं। अभी जो इसकी मौजूदा हालत है वो i5 4th जनरेशन के साथ है, और रैम 4GB और 500 के साथ, 4GB और 500GB के साथ। लो बजट में आप बात करें तो ये वाला आप लैपटॉप देख लें, i5 है 4th जनरेशन, फुल प्रोफेशनल मशीन है। इसकी क्लॉक स्पीड जो है अबाउट 2 GHz है, ये 16GB तक ये भी रैम सपोर्ट करता है, SSD भी आपको सपोर्ट करेगा, नॉर्मल हार्ड ड्राइव भी सपोर्ट करेगा। अभी जो है ये 4i5 थर्ड जनरेशन है, इसका मॉडल है डेल लैटिट्यूड E6430। ये 4GB रैम और 320GB हार्ड ड्राइव के साथ मार्केट में जो इसकी प्राइस है कम से कम 26,000 है, यहाँ से आपको 24,000 का मिल जाएगा विद ओरिजिनल चार्जर और 100% गारंटी के साथ। ये इसकी बैटरी टाइमिंग का क्या हिसाब किताब होगा? बैटरी टाइमिंग ये नॉर्मल बैटरी है, कम से कम 2 घंटे बैकअप मिलेगा, और इसका 2 घंटे तक बैकअप मिलेगा, और साथ इसके बिल्कुल ओरिजिनल चार्जर आपको मिलेगा। ग्राफिक मशीन की तरफ जाएँ तो तारिक भाई ये एक मशीन देख लें, बहुत ज़बरदस्त HP MI सीरीज के साथ है, ये 2GB ग्राफिक कार्ड के साथ है, क्वाड कोर प्रोसेसर है, i7 है, थर्ड जनरेशन है, ठीक है। अभी जो इसमें स्पेसिफिकेशन है वो है 8GB रैम और 320GB हार्ड ड्राइव और 128 SSD के साथ। और ये स्क्रीन साइज इसका क्या देखा जाता है? इसकी जो स्क्रीन साइज है आप चेक करें, ये फुल डिस्प्ले के साथ है, 15.6 के साथ है, और इसकी कंडीशन आप देख लें माशाल्लाह बिल्कुल साफ सुथरा है। इसमें आप 3.0 पोर्ट है, HDMI 4 के साथ भी है, और बाकी जो इसमें DVD राइटर भी लगा हुआ है, और यहाँ भी 2 पोर्ट्स हैं, एक्स्ट्रा पोर्ट्स हैं, फिंगरप्रिंट के साथ है। ये आपको 8GB रैम, 320GB हार्ड ड्राइव और 128 SSD के साथ 38,000 का मिल जाएगा। बहुत अच्छा लैपटॉप है, अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग के हवाले से कोई काम करना चाहते हैं। इसमें 2GB का NVIDIA का कार्ड लगा हुआ है और 2GB इंटरनल जो इंटेल का है वो भी लगा हुआ है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग के हवाले से तो प्रो अल्ट्रा के हवाले से ये लैपटॉप बहुत बेहतरीन। जादू को टच स्क्रीन में कोई 15.6 इंच उसकी बड़ी डिमांड है आजकल नेट के ऊपर भी। आप टच स्क्रीन की बात कर रहे थे, बिल्कुल मार्केट में बहुत ही है, इसके प्लस भी है माइनस भी है। प्लस ये है कि आपको टच स्क्रीन मिल जाता है तो आपको जो डिस्प्ले है वो बहुत अच्छा नज़र आता है, लेकिन इसके जो माइनस ये है कि अगर ये टच स्क्रीन टूट जाए तो खुदाना तक आपको इसका जो पैनल मिलना है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है और दूसरा एक्सपेंसिव हो जाता है। बहरहाल ये टच स्क्रीन में हमारे पास i5 है, 8th जनरेशन है, 15.6 के साथ है, न्यूमेरिक डिस्प्ले के साथ। लगभग जनरेशन कौन सी है ये? ये 4i5 है RFI और 8th जनरेशन है, इसका मॉडल है 3590। ये 8GB रैम और 256 SSD के साथ आया, बिल्कुल साफ। बैटरी टाइमिंग के लिहाज से कैसे है ये? बैटरी के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त मशीन है, इंटरनल बैटरी लगी हुई है, कम से कम 3 से 4 घंटे बैकअप मल्टी मीडिया पर आपको ये देगा। हालांकि 15.6 इंच के डिस्प्ले के साइड के लैपटॉप इतनी टाइमिंग नहीं देता, लेकिन इस हवाले से ये लैपटॉप बहुत बेहतरीन है। ये भी 32GB तक रैम सपोर्ट करता है, इसमें आप SSD भी लगा सकते हैं, नॉर्मल हार्ड ड्राइव भी लगा सकते हैं, लाइट वेट है, 15.6 डिस्प्ले के साथ है, और ये आपको मार्केट में कम से कम 75,000 का मिलेगा और यहाँ से आपको 58,000 का। इससे भी SSD और हार्ड ड्राइव नॉर्मल दोनों लग सकती हैं एट अ टाइम? इसमें आप दोनों लगा सकते हैं, और ये 32GB रैम सपोर्ट करता है DDR4 के साथ है, ये टच स्क्रीन में पड़ा हुआ है। इसके अलावा मेरे पास आरिफ भाई ये देखें, आपको मैं बताना भूल गया हूँ, X1 कार्बन है। अच्छा, ये वही वाली जो अल्ट्रा स्लिम जिसके नाम से मशहूर है, ये बहुत ज़्यादा डिमांड है, और बहुत डिमांड की वजह से हमारे भाई जो हैं वो बहुत महंगी बेच रहे हैं, लेकिन ये आपको बहुत रीजनेबल प्राइस में, और बिल्कुल आप देखें बिल्कुल सॉफ्ट है, 10x10 कंडीशन के साथ है, ये आपको 4i5 8th जनरेशन X1 कार्बन मिल जानी है। 8GB रैम है इसमें और 256 SSD के साथ है, इंटरनल बैटरी है, इसका जो क्या उसका नाम है बैटरी टाइमिंग भी बहुत ज़बरदस्त है, यह आपको 68,000 की मिल जाएगी, और ये मार्केट में कम से कम लोग 80,000 तक। बहुत ज़्यादा स्लिम बुक है ये, बिल्कुल ये देखा ये पहले बुक होंगे, दोनों कटी रखो तो ये जब भी नहीं पूरी होती है। आप सही फरमा रहे हैं, ये बिल्कुल लाइट वेट है, और ऐसे आपने कहा जैसे कुछ चीज़ तो पाई नहीं है, बिल्कुल लाइट वेट है। अच्छा, X1 कार्बन में आ रही भाई हमारे पास ये 6th जनरेशन की अवेलेबल है, ये 4GB रैम के साथ आया और 256 SSD है, इसमें भी लिथियम बैटरी है, फिंगरप्रिंट है, जिस तरह आपका 8th जनरेशन लाइट वेट है वैसे ही ये भी लाइट वेट है, ये आपको 52,000 की मिल जाएगी। जल्दी, ये जो स्क्रीन साइज है ये कौन सा साइज था, वो कौन सा जो आप दिखा रहे हैं? दोनों ही 14 इंच के साथ आए हैं और फुल HD डिस्प्ले के साथ है।
इसके अलावा X1 कार्बन में हमारे पास ये फिफ्थ जनरेशन भी पड़ गई है। ये 8 GB रैम के साथ है और 256 SSD के साथ है। लिथियम बैटरी है, इसमें भी फिंगरप्रिंट हैवी हर चीज़ अवेलेबल है और 14-inch स्क्रीन साइज़ के साथ है। लिथियम बैटरी इंक्लूडेड है इसमें। नॉर्मल सी टाइप चार्जर भी लग सकता है, दूसरे चार्जर भी अवेलेबल है। HDMI पोर्ट के साथ है, सारा कुछ इसमें, सारी फंक्शनैलिटी है। ये आपको 45 के बजट में मिल जाएगा इन तीनों के साथ। आपको जल्दी अपग्रेडेशन के हिसाब से बता दें कि ये रैम वगैरह क्या हिसाब किताब है। X1 कार्बन है, जैसे कि हमारे बहुत से लोगों को पता है कि इसकी जो रैम है वो बिल्ट इन रैम आती है, ये रैम नहीं बढ़ सकती। लेकिन जो इसकी SSD है वो आप 1 TB तक आप इसको बढ़ा सकते हैं, मतलब जो रैम कंपनी फिटेगा वही आएगी। इसके अलावा मिड रेंज में एक ये लैपटॉप है, बहुत ज़बरदस्त है, कंपनीज में कॉल सेंटर में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मशीन है। 14-inch डिस्प्ले के साथ है, i5 है, जनरेशन 3rd है, 4 GB रैम है, 320 GB हार्ड ड्राइव है, मॉडल T430 है। ये i5 3rd जनरेशन है, i7 3rd जनरेशन सपोर्टेड है, 16 GB तक रैम सपोर्ट करता है, SSD भी सपोर्ट करता है, नॉर्मल हार्ड ड्राइव भी, और बिल्कुल A+ कंडीशन में आपके सामने। ये आपको 24 के बजट में मिल जाएगी। साथ ओरिजिनल चार्जर है, ये देखें इसके 3.0 पोर्ट के दो पोर्ट्स बनी हुई हैं, 7D पोर्ट है, इस तरफ भी आपके सामने एक पोर्ट नॉर्मल पोर्ट है, और इसमें भी DVD राइटर लगा हुआ है। जी, इसके अंदर भी DVD राइटर लगा हुआ है, ये भी i7 3rd जनरेशन सपोर्टेड है। इसके अलावा अगर ग्लॉसरी सीरीज में जाएँ तो ये एक लैपटॉप है HP AMD, ये HP Pavilion 15 है, 4 GB रैम, 320 GB हार्ड ड्राइव के साथ है, AMD प्रोसेसर है, 6th जनरेशन के साथ है। और इसकी आपको सबसे मज़े की बात, आपको इसके प्राइस बताऊंगा, बहुत मिनिमम प्राइस के साथ है, ये आपको 25,000 के बजट में मिल जाएगा। इसकी भी 1 मंथ वारंटी है, 10 डेज बैटरी की वारंटी है और बेहतरीन मशीन है। सब लाभी एक और चीज़ है, ये हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में देखा जाए डेल HP की मांग बहुत ज़्यादा है, लिनोवो को किसी को बताओ तो वो कहते हैं लिनोवो में ये है। असूस एसर के बारे में बताएं क्या इसमें? डेल HP और लिनोवो आजकल तो खैर तीनों की मांग ही अच्छी है। पहले हमारे भाइयों को इतना लिनोवो के बारे में नहीं पता था, लोग कहते थे डेल और HP के लैपटॉप जो है सबसे अच्छे हैं, लेकिन लिनोवो ने भी अपनी मार्केट बहुत ज़बरदस्त बना ली है। ये लिनोवो के मॉडल हैं, T430 हो गया, इसके अलावा और भी हैं जो आपको मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह, L470 है, T440 आपको जो पहले मैंने दिखा दिया, ये बेहतरीन चल रहे हैं और इनकी कंप्लेन नहीं है। पहले ये कम इसलिए थे कि इनके पार्ट्स जो थे ना वो मार्केट में कम थे, अगर कोई चीज़ ख़राब होती थी तो आपको पार्ट्स ही मिलते थे, लेकिन अब इसके क्योंकि पार्ट्स अवेलेबल हैं इस वजह से ये लोग लैपटॉप भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। ये तीनों लैपटॉप अच्छे चल रहे हैं, बाकी असूस और एसर की जो बात की है वो उसकी मार्केट कम है, रीज़न वही है कि उसके पार्ट्स थोड़े अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा ये छोटे डिस्प्ले में आप लैपटॉप देखें तो ये एक लैपटॉप है i5 7th जनरेशन 7280 मॉडल है, बिल्कुल लाइट वेट 12.5 इंच के साथ है। ये अभी 8 GB रैम है, 256 SSD के साथ है, 7th जनरेशन है। यह आपको मिल जाना है 50,000 का। यह भी फुल LG है, इसका बैटरी बैकअप 3 से 4 घंटे है। इसकी भी रैम 32 या जी इसकी RPM मुझे शोर नहीं है, अगर इसमें दो पोर्ट्स हुई तो 32 GB तक सपोर्ट करता हूँ और अगर एक पोर्ट हुई तो 16 GB का, लेकिन ये है कि DDR4 के साथ आया और HDMI पोर्ट के साथ आया। DDR4 मेरे ख्याल 32 GB लॉन्च हो चुकी है पाकिस्तान में, अगर लॉन्च क्योंकि अवेलेबिलिटी कम है इस हवाले से हम कस्टमर को ना यानी कि 32 GB अगर आज तो सपोर्ट हो जाएगी। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, अगर 32 GB आप लगाएं तो ये सपोर्टेड है। दूसरा ये HDMI पोर्ट के साथ है, डी पोर्ट भी है, आप बेहतरीन लैपटॉप है, लाइट वेट जो लोग पसंद करते हैं लाइट वेट उसके हवाले से ये बहुत ज़बरदस्त मशीन है। इसके अलावा लाइट वेट में एक मॉडल है डेल 7390, ये फुल HD के साथ है, बेजल लेस है, या आप कैमरा साफ करें तो आपको पता लगे बिल्कुल हल्की सी बैजल है, नॉर्मली लैपटॉप की बहुत थिक बैजल होती है। तो ये भी 12.5 में होगा या ये 13.3 इंच के साथ है, लिथियम बैटरी के साथ है, 32 GB तक रैम सपोर्ट करता है, फुल LED बिल्कुल लाइट वेट, बहुत ज़बरदस्त मशीन है, वन ऑफ माई फेवरेट मशीन आप ऐसे कह लें। क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ है और 8 GB रैम है, 256 SSD के लिहाज से Go.
अच्छा अभी भी ये इसके अलावा क्योंकि आपके पास टाइम कम है, टाइम की कमी है, इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत से डिफरेंट लैपटॉप्स वगैरह में डिफरेंट मॉडल के, जैसे कि आप अपने व्यूअर्स को दिखा भी सकते हैं इनका, अगर आपको एक बार एक करके बताऊँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन ये जो चंद जो तकरीबन हर रेंज में जो लैपटॉप आ रहे थे वो आपको कवर करके दिखा दिए। तो ये इसके अलावा हमारी लॉट चंद दिनों में और भी आ रही है जिसमें मज़ीद लैपटॉप्स आ रहे हैं, आपको इस चीज़ की तसल्ली होगी कि लैपटॉप रिपेयर नहीं है, 100% टेस्टिंग वर्किंग है। और दूसरा ये लॉट का सामान है, इस चीज़ की आपको लाइफ टाइम वारंटी मिलेगी कि ये लॉट का सामान है और रिपेयर नहीं है। सर बिल्कुल, सबसे एक अहम बात है वो मैंने आपको बताई नहीं है, अगर फर्ज करें आपको कोई बंदा कॉल करता है कहता है कि मुझे घर में डिलीवर करके दें जी, तो फिर उसमें क्या करेंगे आप? बिल्कुल, आप अगर डिलीवरी करवाना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगी, उसके लिए आप हमें कॉल करेंगे, उसके लिए जो प्राइस होगी वो हमसे शेयर करेंगे, वो आप कीमत अदा करेंगे, तो उसके बाद आपको वो लैपटॉप डिस्पैच कर दिया जाएगा 100% गारंटी के साथ है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाला चक्कर नहीं है।